आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाला भिंडी। नमस्कार, भूमित किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने ले लिया है भिंडी और उबला हुआ आलू दो, और यहाँ पर एक प्याज को स्लाइस करके और थोड़ा सा अदरक और लहसुन। और भिंडी को अगर बड़ा है तो 3 पीसेस में काटिए और छोटा है तो 2 पीसेस में काट के रखिए। अभी एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। अभी इसमें जो स्लाइस किया हुआ है, पतला पतला स्लाइस करके रखे, स्लाइस किया गया जो प्याज है, इसमें हम तेल लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। देखिए, हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। अदरक 1 टुकड़ा लीजिए और लहसुन 7 से 8 कलियाँ ले लीजिए। अभी थोड़ा सा भूनने के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अदरक लहसुन और भुने हुए प्याज को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए अलग से रखेंगे और उसी तेल में जो कटे हुए भिंडी था इसमें डाल देंगे। अभी ऊपर से 1/2 चम्मच के करीब नमक डालें और थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दें और मीडियम फ्लेम कर दें। तो भिंडी ऐसे में नमक के साथ अच्छे से गल जाता है और थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी हो जाता है। देखिए, इसको ढक्कन लगा दें और मीडियम फ्लेम रखें। अभी जो भुना हुआ प्याज, लहसुन और इसमें 2 टमाटर मैंने डाल दी थी, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी देखिए, भिंडी ब्राउन हो चुका है और हल्का हल्का सॉफ्ट भी हो चुका है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। इस प्लेट पे अलग से निकाल देंगे। अभी उसी कढ़ाई में मैंने धो के 1/2 कप जितना पानी डाल दी है और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब सब्जी मसाला या फिर गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो पानी के जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भूनते समय बहुत ज़्यादा तेल डाल दी थी, इसलिए मैं अभी ग्रेवी भूनते समय पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो नमक और जो मसाले थे, सभी भूनने के बाद जो प्याज और टमाटर का पेस्ट था इसको डाल देंगे। अभी इस समय आप नमक भी डाल दें, मैंने लास्ट में डाला है, आप चाहे तो इस समय डाल दें ताकि ये ग्रेवी जो है अच्छे से पक जाए। अभी इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएं, ताकि टमाटर और बाकी जो मसाले हैं अच्छी तरह से पक जाने के बाद। देखिए, मसाले अच्छी तरह से भून गया है और इसका जो रॉ स्मेल है वो भी उड़ चुका है और अच्छे से मसाला तैयार है। अभी देखिए, अभी इसमें ऑयल नहीं दिख रहा है, लेकिन भिंडी में बहुत ज़्यादा तेल है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेल में इसको फ्राई किए थे। तो अभी उबला हुआ आलू और भिंडी को डाल देंगे और 1 कप जितना इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको हम ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। देखिए, 1.5 कप मैंने पानी डाली है। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेवी करने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसको रोटी चावल किसी के साथ भी परोस सकते हैं। देखिए, मैं अभी नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो जिस समय मसाले डाल रहे हैं ना, उसी समय आप नमक डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ऊपर से धनिया वगैरह डाल सकते हैं। इसको ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाएं। अभी 5 मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ, हमारा भिंडी मसाला तैयार है। इसको आप रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।